लगातार वहां पर कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और वो अब लगातार ईडी दफ्तर की ओर भी कूच कर रहे हैं। और क्या तस्वीरें दिखाएंगे? हम लड़ रहे हैं और जो सरकार अपोजिशन वालों को सता रही है ईडी से, सीबीआई से और अपने सीबीसी से, इनकम टैक्स से, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सताने का और वो तोड़ मोड़ के अपना सरकार बनाने का उनका काम चल रहा है, इसीलिए हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। कह रही थी कि जब नरेंद्र मोदी से पूछताछ हुआ है तो बिना शोर शराबे के वो गए पूछताछ हुआ, यहाँ पर इतना कांग्रेस क्यों हंगामा कर रही है? अरे आप मोदी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो हम आप जिस नियत से हरास कर रहे हैं वो अलग बात है। हमारे जमाने में इतने अपोनेंट को कभी सीबीआई या किसी को इनकम टैक्स, किसी को डराना, सरकारों को घिराना, ऐसा हुआ था क्या कभी? तो आप लोग कहाँ कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं या सीधे ईडी ऑफिस जाएंगे? अब कांग्रेस ऑफिस जाएंगे। तो वहाँ से क्या मार्च करके आप लोग क्या ईडी ऑफिस भी जाने की तैयारी है, प्लानिंग है? वहाँ नेक्स्ट तय करेंगे। वहाँ बीजेपी बोली सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कर रहे हैं आप लोग, जो एजेंसीज है उसके खिलाफ। हाँ दुराग्रह है, ये सत्याग्रह नहीं है। ये आप लोगों का कहना है, क्योंकि जब आप सत्याग्रह से भी नहीं मानते हैं, जब आप जो कानून के तहत चलने के लिए कोई आप कानून के तहत चलने के लिए कोई आपको अवसर नहीं मिलता है तो ये करना पड़ता है। देखिए ये साफ तौर पे इनका कहना था, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो ये कह रहे थे कि कानून नहीं यहाँ पर माना जा रहा है और जिस तरह से हरास किया जा रहा है उसको लेकर एजेंसीज के जरिए। ये देखिए तमाम ये बस है, बस में तमाम सांसद बैठे हुए, एक बस निकल चुकी है, ये दूसरी बस है जिसमें तमाम लोग यहाँ पर है। थोड़ी देर पहले चिदम्बरम से लेकर तमाम जो सांसद थे यहाँ पर थे, हम लोगों ने कई लोगों से बात भी की और सबका ये कहना था कि जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है उसी विरोध करने के लिए तमाम सांसद यहाँ से पार्लियामेंट से अभी कांग्रेस ऑफिस जाएंगे, फिर इसके बाद ईडी और जाना होगा तो आगे जाएंगे। लेकिन ये देखिए तमाम जो यहाँ पे सांसद हैं इसी बस में, एक बस जा चुकी है, ये दूसरी बस है, इसमें विवेक तनखा से लेकर तमाम जो सांसद थे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी खड़गे जो कि राज्यसभा में अपोजिशन के नेता हैं वो भी इसमें सवार हुए हैं और खड़गे ने हमसे बात करते हुए टाइम्स ऑफ भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ये कहा कि एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको लेकर वो यहाँ पर तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और क्योंकि सोनिया गांधी को थोड़ी देर में जाना है, ईडी के सामने पेश होना है, तो तमाम सांसद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये देखिए ये बस यहाँ रवाना हो रहा है जिसमें फोटो भी लगी हुई है और सोनिया गांधी के लिए सत्यमेव जयते के साथ। कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो संसद भवन में शुरू हो गया है। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी उनको समन किया है और उनको ईडी दफ्तर बुलाया गया है। इसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो संसद भवन के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनका काफिला है, ये यहाँ से रकाबगंज गुरुद्वारे की साइड जाएंगे और वहाँ से ये कांग्रेस मुख्यालय जाकर अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी को भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था, उस दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी और आज एक बार फिर सोनिया गांधी को इन्फोरेट ने समन किया है और तस्वीरें आपके सामने में हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे वो लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम बातचीत करेंगे रणदीप सुरजेवाला जी। रणदीप जी, आज कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी को समन किया गया, कैसे देखते हैं आप इसको? मोदी सरकार पिट्ठू ईडीआई और डरपोक सीबीआई और इनकम टैक्स के पीछे छुप रही है। अब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ही भाजपा सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। पर क्या आप सच को डरा पाएंगे? क्या आप सच को हरा पाएंगे? नहीं, ये लड़ाई है नेशनल हेराल्ड अखबार की, जो स्वतंत्रता संग्राम का चिन्ह है। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे, केवल आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि एजेंसियों का मिसयूज किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं और ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी।